अभी हम सब तुलसी साहब की लिखी हुई वाणी सुन रहे थे। तुलसी साहब जो बहुत बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं का उनको ज्ञान था, बहुत कुछ उन्होंने रूहानियत के बारे में, सच्चाई के बारे में, किस किस्म की हमारी ज़िंदगी है वो समझाने के लिए और किस किस्म की ज़िंदगी हमें बनानी चाहिए, बड़ा खोल खोल के उन्होंने बड़े आसान से लफ्ज़ों में समझाया। इस रचना के ज़रिए तुलसी साहब, हम सब की क्या हालत है उसे हमें दर्शा रहे हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि हमें करना क्या है हमें समझ में नहीं आता। रोज़ाना के कार्य रोज़ बार 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 वैसे करते जाते हैं, सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, काम पर चले गए और रोज़ाना वही चीज़ें करते रहते हैं। ये सोचे समझे बगैर के हमारे साथ हो क्या रहा है। तो तुलसी साहब हमें समझा रहे हैं कि हम सोए हुए हैं, हम एक स्वप्न ले रहे हैं। जब भी आप सोए हुए हो और आपको स्वप्न आए तो आपको लगता है कि सब चीज़ें वैसे ही हैं जैसे स्वप्न में चल रही हों। जब आप उस स्वप्न से उठते हो तब आपको मालूम होता है कि वो स्वप्न था, लेकिन जितनी देर वो स्वप्न चलता रहता है इंसान सोचता है वो सब कुछ सही है। हम सब रोज़ाना उठते हैं रात को सोने के बाद और दिन भर दुनिया के कार्यों में लगे रहते हैं। तो तुलसी साहब हमें समझा रहे हैं कि जो दुनिया के कार्य हैं जिनमें हम लगे हुए हैं,
ये कोई जागृत अवस्था नहीं, ये सोने की अवस्था है। हमारी आत्मा जो हमारा असली रूप है, जो इस शरीर को जान दे रही है, उसे प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। कभी वो एक योनि में जाती है, कभी दूसरी में जाती है, कभी तीसरे में जाती है। ऐसी योनियां जिसमें जाकर उसे कोई मौका नहीं मिलता कि वो जागृत हो पाए, उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया। कि एक प्रिंसेस थी, वो सो रही थी, 100 साल से ज़्यादा सोती रही, और उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया। एक प्रिंस चार्मिंग उसकी ज़िंदगी में आया, तो वो उस सोने से उठ गई, जाग उठी। तो यहाँ पर हमें तुलसी साहब समझा रहे हैं, वो फरमाने सोवत जुग जुग भय, कि हमें सोते हुए कई युग निकल गए हैं। हमारी आत्मा ऐसी योनियों में थी जहाँ उसे कोई मौका नहीं था जागने का। प्रभु ने बड़ी दया की, हमें मानव चोला दिया। इस मानव चोले के अंदर प्रभु ने वो सब दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। जो पदार्थ हमें चाहिए वो सब हमें इस शरीर में दिए गए हैं। अब हम पर निर्भर है कि हम उनका इस्तेमाल करें। अगर कुछ हमें दिया गया है और हम उसका इस्तेमाल ना करें तो उससे कुछ हमें फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको कुछ तकलीफ़ है, आप किसी डॉक्टर के पास गए उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए, उन्होंने कुछ दवाई लिख के दी, आप दवाई लेके आए लेकिन आपने खाई नहीं, घर में आके अलमारी में रख दी, तो आपकी तकलीफ़ दूर होगी नहीं। ऐसे ही प्रभु ने हमें विवेक दिया है। विवेक का मतलब है कि हम निर्णय कर सकते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार फरमाते थे, जो चीज़ हमें प्रभु की ओर लेके जाए वो अच्छी है, वो सच है। जो कुछ हमें प्रभु से दूर लेके जाता है वो खराब ही खराब है। तो ये निर्णय हर एक इंसान कर सकता है। उसके अंदर प्रभु ने ताकत दी है कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधार पाए, लेकिन उसका ज्ञान हमें कौन दे। अभी हम सब जिसे अपर्या विद्या कहते हैं, बाहर का ज्ञान, एक्सोटेरिक नॉलेज, उसको पा रहे हैं। लैंग्वेजेस हम सीखते हैं ताकि एक दूसरे से बातचीत कर सकें। इस धरती पर जिस पर जी रहे हैं, इसकी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पता लगे कहाँ पर क्या क्या है। हिस्ट्री पढ़ते हैं कि पहले क्या हुआ। प्रकृति को जानने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च होती है कि ये दुनिया है कैसी, इसमें रिश्ते नाते क्या हैं सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, सितारों के साथ, हम जीवों के आपस में क्या रिश्ते नाते हैं, क्लाइमेट कैसे बदलते हैं, उन सब की जानकारी हम पाते हैं।
ये सब बाहर का ज्ञान है। महापुरुष समझाते हैं कि एक और ज्ञान भी है जिस और हमें ध्यान देना चाहिए, उसे पराविद्या कहा गया है, एजोटेरिक नॉलेज। वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, वो ज्ञान रूहानी ज्ञान है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज है। वो ज्ञान हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से कैसा है, और वो ज्ञान हमें जागृत अवस्था में पहुंचाता है।